अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम आपके लिए सूजी लड्डू की रेसिपी लेकर आए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर घी लेंगे। ये मेरे पास है 1/4 कप। इसको हम मेल्ट होने देंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे काजू, ये हम लेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पर हम कट किए हुए बादाम लेंगे, ये हम लेंगे 2 टेबल स्पून। और साथ हम यहाँ पर लेंगे किशमिश, ये हम लेंगे 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पे हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इनको रोस्ट करेंगे। दो से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेंगे और निकाल के हम इन्हें करेंगे साइड पे। अब हम इसी घी के अंदर सूजी ऐड करेंगे। सूजी हम लेंगे 1 कप और यहाँ पे हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर, ये हम लेंगे 1/4 कप। और साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे इलायची पाउडर, ये हम लेंगे 1/4 टीस्पून। अब यहाँ पर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे सोटे करेंगे। तकरीबन हमने इसे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे सोटे किया है। अब यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे। अब हम यहाँ पर शीरा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पानी लेंगे। पानी हम लेंगे, ये मेरे पास है 1/2 कप। और इसमें हम ऐड करेंगे चीनी, ये भी हम लेंगे 1/2 कप। अब यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे। तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट इसे कुक किया है, तो अच्छी तरह से इसका शीरा बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। जो हमने सबसे पहले यहाँ पे सूजी को हमने रोस्ट करके रखा था वो ठंडी हो गई है, तो अब हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमने शीरा तैयार किया था। और अब यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फाइनली बहुत ही इजी और सिंपल सूजी के लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।